प्रीलिम्स में 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी सेक्शन के, तो उन क्वेश्चंस में वो जिस टॉपिक को टच कर रहे थे उन टॉपिक्स का हम डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे थे। हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें कि प्रीलिम्स में 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी सेक्शन के, तो उन क्वेश्चंस में वो जिस टॉपिक को टच कर रहे थे उन टॉपिक्स का हम डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे थे, उन टॉपिक्स को हम एक्सप्लोर कर रहे थे। सो दो वीडियोस इस सीरीज में बन चुके हैं, आज थर्ड वीडियो है। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, यूपीएससी ने इस बार एक और टॉपिक को, एंड इनफैक्ट यूपीएससी रेगुलरली कीप्स ऑन टचिंग दिस टॉपिक, इस टॉपिक को इस बार ही नहीं कई बार इसने टच किया है। ठीक है, यूपीएससी ने इस बार एक टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जो कि है FII। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FII? सो FII मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सेंस इन विच इट इज यूज्ड। ठीक है, अब FII को समझने से पहले आई वांट टू गिव यू अ बिट ऑफ बैकग्राउंड, पूरी कंप्लीट नॉलेज देना चाहता हूं। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि ये FDI क्या होता है। राइट, सी देयर आर टू थिंग्स, वन इज FDI एंड अनदर इज FPI। तो अब ये FDI क्या होता है, FPI क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझिए, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, राइट? ओके, नाउ लेट्स से कि इलॉन मस्क को रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छे लगे, उनको लग रहा है कि ये इंडस्ट्री फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इस एजेंसी, गवर्नमेंट पॉलिसी भी इस इंडस्ट्री के साथ हैं, और सारी चीज़ें जो हैं दैट आर फेवरेबल फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो उन्होंने अपनी स्टडी करी इंडस्ट्री की, एंड ही इज़ इंटरेस्टेड इन बिकमिंग पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। और ये कैसे पार्ट बनेंगे, अगर ये इसकी कुछ परसेंटेज को परचेज कर लें देन ही विल बिकम द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस एस्पेक्ट में कि रिलायंस आगे चल के फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेगा, इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसके हिसाब से इलॉन मस्क ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट से क्या किया, एक्चुअली इन्होंने परसेंटेज ऑफ शेयर्स परचेज कर लिए। यहाँ पे 100, 200, 500 शेयर्स की बात नहीं हो रही है, एक्चुअली इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं, वो परसेंटेज ऑफ शेयर्स परचेज करे ले रहे हैं रिलायंस के। फॉर एग्जाम्पल लेट से उन्होंने 10% शेयर्स परचेज कर लिए। ठीक है, अब जब इन्होंने 10% शेयर्स परचेज कर लिए तो ये एक सॉर्ट ऑफ ओनरशिप हो गई ना इनकी, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ओनरशिप फॉर इलॉन मस्क। ये अब कंपनी का एक पार्ट हो गए, इंटीग्रल पार्ट। अब कंपनी में जो भी मीटिंग होगी इलॉन मस्क विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, कंपनी के आगे के जो प्लान्स होंगे इलॉन मस्क के साथ वो डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की मीटिंग को अटेंड करेंगे, बिकॉज नाउ ही हैज गॉट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शेयर्स, एक्सक्यूज मी, ऑफ रिलायंस, राइट? तो जब सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं, एक परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं, ओनरशिप है, तो अब कोई भी कंपनी का डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग का कोई भी एजेंडा आएगा, इलॉन मस्क उसके पार्ट होंगे। ऐसी इन्वेस्टमेंट दोस्तों कहलाती है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं। पहली चीज तो ये है कि FDI क्या करती है, इट क्रिएट्स अ प्रोडक्टिव एसेट। ये प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट कर रही है, एसेट क्यों, बिकॉज नाउ इलॉन मस्क इज द पार्ट ऑफ द कंपनी, ही हिमसेल्फ इज द पार्ट ऑफ द कंपनी। तो जो वो अपने साथ इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, दिस इज एन एसेट फॉर द कंपनी।
यस और नो। तो इट क्रिएट्स एन प्रोडक्टिव एसेट। अब देखिए एफडीआई जो है इन्वेस्टमेंट किस में हो सकता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस, रिलायंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इन्वेस्टमेंट इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। साथ ही साथ एक चीज और हो सकती है इसमें, वन मोर थिंग इज पॉसिबल हियर, कि कोई फॉरेनर अपना खुद का बिजनेस यहां पे स्टार्ट करना चाहे, देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू इट, लेकिन कोई फॉरेनर अपनी एक नई कंपनी भी यहां पे खोल सकता है, या कोई पेरेंट कंपनी है वो भी यहां पर अपनी कोई ब्रांच खोल सकती है, फॉरेनर कंपनी है फॉरेन में है बेस्ड अब्रॉड, वो यहां पर आके अपनी ब्रांच खोल सकती है, तो कोई नई कंपनी भी स्टार्ट करी जा सकती है, ठीक है ना। ये एस्पेक्ट याद रखिएगा, अक्सर लोग सोचते हैं कि एग्जिस्टिंग कंपनी में ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा ओनरशिप के लिए तभी आप उसको एफडीआई कहेंगे, नहीं, कोई फॉरेन कंपनी यहां पे अपनी दूसरी कंपनी भी स्टार्ट कर सकती है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कोई डेट फाइनेंस नहीं है, इट्स अ नॉन डेट फाइनेंस, ये कोई लोन नहीं दिया एलन मस्क ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को, रैदर उन्होंने उसकी ओनरशिप परचेज करी है और उन्होंने उसकी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप परचेज करी है, सो दैट इज व्हाई एफडीआई इज अ नॉन डेट फाइनेंस, इसमें कोई लोन वगैरह नहीं दिया जा रहा है। गेटिंग मी, कितने टाइम बाद रिलायंस इंडस्ट्री को उसे पे करना पड़ेगा? नो, एफडीआई लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यों? क्योंकि आप इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, तो ये जो पैसा है ये यूएसए से इंडिया में आया है, तो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, उसकी डेवलपमेंट होगी, सो इट लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है एफडीआई, ऐसा नहीं है कि आज एलन मस्क ने पार्टनरशिप ली और एक महीने बाद कह देंगे नहीं चाहिए मुझे, मैं बेच के निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं। उन्होंने अगर इन्वेस्ट किया है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं, ही इज लुकिंग एट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी एंड हिज फ्यूचर टुगेदर। ओके, तो वो एक साथ देख रहे हैं, ओनरशिप उन्होंने परचेज करी है, सो इट इज लॉन्ग टर्म और ये स्टेबल होती है ना। स्टेबल मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज इन्वेस्ट किया कल पैसा निकाल लेंगे, वॉलेटाइल नहीं है इन्वेस्टमेंट, इट इज स्टेबल, ठीक है। ये कुछ, और एक और पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूं, इफ यू वांट आप इसको लिख भी सकते हैं, कि ऐसी इन्वेस्टमेंट, अब जब एलन मस्क ने 10% शेयर्स खरीद लिए फॉर एग्जांपल, तो वो मैनेजमेंट का एक पार्ट हो गए हैं, सो ही विल हैव हिज इन्फ्लुएंस ऑन द मैनेजमेंट, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी मेकिंग इन सब में उनका एक से होगा, सो इन्फ्लुएंस ओवर मैनेजमेंट। सो ये सारे एम्स या ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपकी एफडीआई की, एफडीआई से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व, क्लियर, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज एफडीआई। ओके, अच्छा, एफडीआई का एक और एस्पेक्ट है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, इफ देयर इज सम इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट अगर लिस्टेड कंपनी में करी जा रही है, लिस्टेड कंपनीज लिस्टेड इन NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर ये इन्वेस्टमेंट लिस्टेड कंपनीज में आप कर रहे हैं तो इट शुड बी ग्रेटर देन 10%, आपको 10% या ग्रेटर देन 10% का उस कंपनी की ओनरशिप खरीदनी पड़ेगी किसी फॉरनर को, देन एंड ओनली देन सच इन्वेस्टमेंट विल क्वालिफाई टू बिकम एन FDI, तभी वो इन्वेस्टमेंट FDI कहलाएगी, वरना वो FDI नहीं कहलाएगी। दिस इज द सिनेरियो फॉर लिस्टेड कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, और वही अगर आप नॉन लिस्टेड कंपनी की बात करें तो वहां पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, नो सच क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट कि 10% खरीदना है कि 5% खरीदना है, इसके लिए ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है FDI में। ओके, सो नो सच क्राइटेरिया। आई होप आपको FDI समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप की इन्वेस्टमेंट की, जिसको कि हम लोग FPI बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए FPI क्या होता है, सो अगर हम FPI की बात करें, सो इट इंप्लाइज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। राइट,
इट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें इस शब्द पोर्टफोलियो को समझना पड़ेगा, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो। सो सी गाइस, हम लोग पहले फॉरेन हटाइए, पोर्टफोलियो को समझ लेते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, एनी इन्वेस्टर, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टर क्या करता है, वो एक्चुअली एक बकेट के फॉर्म में समझते हैं, एक बकेट बनाता है, बनाता मतलब लिटरली नहीं बना रहा है, वो इस बकेट में क्या करता है, कई तरह के, कई कंपनीज के अलग अलग सेक्टर के शेयर्स खरीदता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है ना, उसने F&B फूड एंड बेवरेजेस के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, उसने रियल एस्टेट के भी अपना स्टेक खरीद लिया, ओके, उसके बाद उसने जो है आपकी माइनिंग इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद लिए, उसने बैंकिंग सेक्टर के भी कुछ शेयर्स खरीदे, ठीक है, उसने IT इंडस्ट्री के कुछ शेयर खरीदे। तो एक्चुअली वो डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग टाइप के बिजनेस और अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदता है। वो अपना सारा का सारा पैसा किसी एक कंपनी पे या किसी एक तरह के बिजनेस पे, वन टाइप ऑफ सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों? वो अपना अलग अलग कंपनीज के शेयर और अलग अलग सेक्टर्स के शेयर इसलिए खरीदता है जिससे उसके पैसे डूबने की चांसेस कम हो जाए, उसका रिस्क मिटिगेट हो जाए। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। सो व्हाट एक्चुअली ही इज डूइंग, ही इज डाइवर्सिफाइंग हिज रिस्क, ठीक है ना भाई। जब अलग अलग कंपनी में लगाया तो सारे तरह की कंपनी तो डूब नहीं जाएंगी, कुछ में पैसा जाएगा तो कुछ में पैसा बढ़ेगा, उसके पास पैसा आएगा, तो अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो ये जो उसने बकेट बनाई जिसमें उसने अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदे, ये बकेट ही कहलाती है पोर्टफोलियो, ठीक है। कौन करता है? रिटेल इन्वेस्टर, हमारे आपके जैसे नॉर्मली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द पोर्टफोलियो। अब अगर हम इसी चीज को इम्प्लाई कर दें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, तो देखिए फॉरेन, अगर कोई फॉरनर, कोई भी हो सकता है, अ रेगुलर ट्रेडर, अब जैसे हम लोगों को गूगल के शेयर्स अच्छे लग रहे हैं, तो अगर हम गूगल के शेयर खरीदें तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम गूगल में थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा मोटिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। हम गूगल के पार्टनर नहीं बनना चाहते, हम 5-10% उसका पार्टनरशिप नहीं खरीदे ले रहे हैं, ओनरशिप नहीं खरीदे ले रहे हैं, रेदर हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारी इन्वेस्टमेंट से हमें कुछ रिटर्न मिल जाए। कल गूगल के शेयर के दाम बढ़े, हम उसको बेच के आगे बढ़ जाएंगे, यस और नो? हमने कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीदा है। और हम सिर्फ गूगल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ला भी ले सकते हैं, गूगल भी लेंगे, एप्पल भी लेंगे, कई तरह के ले सकते हैं। तो हम अमेरिका के लिए क्या हुए? फॉरेन इन्वेस्टर हुए। और कौन से फॉरेन इन्वेस्टर? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हुए। उसी तरह से अगर कोई अमेरिकन रिटेल इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है और उसका एजेंडा क्या है, उसका एजेंडा प्रॉफिट मेकिंग है, आज उसने रिलायंस के शेयर्स खरीदे सुबह और दोपहर में दाम बढ़ा, उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ जो कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेच के निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको होल्ड करके रखा रहेगा, ठीक है ना। और वो किसी एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो कई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, एक पोर्टफोलियो बनाएगा, किस लिए, जिससे उसके पैसे डूबने की चांसेस कम हो जाए, पोर्टफोलियो बनाएगा। ऐसे को, ऐसी इन्वेस्टमेंट को जो फॉरनर्स करते हैं लेकिन पोर्टफोलियो बना के प्रॉफिट मेकिंग के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजेंडा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, ऐसी इन्वेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली चीज ये लिक्विड इन्वेस्टमेंट होगी, लिक्विड इन द सेंस स्टेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभी पैसा डाला बहुत वॉलेटाइल है, अभी डाला हो सकता है एक घंटे बाद बेच के निकल जाए, सो इट इज लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, दिस इज हॉट मनी, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, दिस इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कोई लंबी कमिटमेंट नहीं है, कोई फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओनरशिप के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म है, बस क्या करना है, पैसा कमाना है। बोले बात समझ में आई? अब देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को हम दो टाइप में सेग्रीगेट कर सकते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो FPI कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज FII दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और दूसरा है QFII क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये दो टाइप है, आप चाहे तो इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, लिख लीजिए क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर,
एंड दिस इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और ये FII से रिलेटेड क्वेश्चन आया था इस बार प्रीलिम्स 2024 में। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, तो सबसे पहले समझिए कौन होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, फॉरेन की इंश्योरेंस कंपनी जैसे हमारे यहाँ LIC एंड ऑल वैसे ही, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई जिसको अपने क्लाइंट्स को पैसे कमा के देने, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, ठीक है। कोई पेंशन फंड हो गया, राइट, एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। म्यूचुअल फंड भी आ जाएगा इसमें, आप ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। इन पे एक ऑब्लिगेशन है कि ये अपनी कोई भी परचेज अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी कर रहे हैं तो द परचेज कैनॉट बी मोर देन 10%, या फिर आप ऐसे कहिए कि इट शुड बी लेस देन 10% इक्विटी। सो ये इक्विटी को 10% से ज़्यादा नहीं खरीद सकते किसी भी कंपनी की, ठीक है, क्योंकि ये FPI है, ये रिटेल में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, एक और ऑब्लिगेशन, कि दे कैनॉट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड कंपनी। कोई अनलिस्टेड कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में इंडिया के लिस्टेड नहीं है, मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है, उसमें ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बोलिए समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात ये, इनको सेबी के साथ खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, दे हैव टू गो एंड रजिस्टर देमसेल्फ विद सेबी इन इंडिया, ओके, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग QFI की बात करते हैं कि QFI क्या होते हैं, क्या क्वालिटीज हैं, क्या वो हैं। तो देखिए, कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ये QFI हो सकते हैं, ठीक है, इवन एसोसिएशन। लेकिन इनके साथ एक चीज है कि इनका जो नेसेसरी थिंग है टू बी QFI, दे शुड बी दी मेंबर ऑफ, ये जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं शुड बी, इट शुड बी दी मेंबर ऑफ FATF। अब FATF क्या होता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टास्क फोर्स। सो एनी इंडिविजुअल और एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दे कैन बी QFI, बट द नेसेसरी थिंग इज दैट द कंट्री टू विच दे बिलोंग इट हैज टू बी मेंबर ऑफ FATF, फाइनेंशियल FATF। आपने सुना भी होगा FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया, ये सारी चीजें, ठीक है। FATF यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस टास्क फोर्स। राइट, ओके। उसके बाद इनको कोई भी अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी सब अकाउंट वगैरह नहीं खोलना है, लेकिन इनको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा इंडिया में। सो इनको डीमैट, डीमटेरियलाइजेशन एंड ट्रेडिंग अकाउंट तो किसी इंडियन कंपनी के साथ खोलना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टूड। सो ये QFI और ये FII होते हैं, दोनों FPI के पार्ट होते हैं। सो आई होप गाइस द वीडियो वॉज हेल्पफुल और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। थैंक यू।